सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार फिंगरप्रिंट स्कैनर्स तो आप सभी ने यूज किए होंगे अपने मोबाइल फोन्स में। इसके अलावा यहाँ पे हम काम में लेते हैं फेस आईडी को, आयरिस स्कैनिंग को, दोस्तों पता नहीं कितने सारी है तरह तरह की बायोमेट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल चीज के बारे में जहां पे यार हम हमारी जीभ को इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार यहाँ पे देखो ना, अगर हमसे बात करता हूँ बायोमेट्रिक्स की तो ये काफ़ी दोस्तों ज़्यादा कन्वीनियंट है हम सभी के लिए। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी है। भाई ट्रेडिशनल आपने पिन पैटर्न पासवर्ड याद कर लिया, आपके दोस्तों कुछ ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, आपके दोस्तों मान लीजिए कोई चाबी है, कोई की है, कोई एक्सेस कार्ड वगैरह है, तो यार वो चुराया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ आपके पास में है वो कहीं खोएगी नहीं दोस्तों। दूसरी बात ये है यूनिक, तो ऐसे में मैंने एक बार पहले भी वीडियो में आपको बना के बताया था कि भैया क्या क्या अलग अलग बायोमेट्रिक स्कैनिंग टेक्निक्स हम इस्तेमाल में ले सकते हैं, जहाँ पे फेस अनलॉक हो गया है, फिंगर प्रिंट्स हो गए हैं, आप दोस्तों कैसे बात करते हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है वो हो गया है, आयरिस स्कैनिंग हो गई है, इनफैक्ट भैया आप कैसे चलते हैं उससे भी आपकी पहचान का पता लगा है। जैसे दोस्तों जहां पे हम देखते हैं हॉलीवुड मूवीज में कि भैया मतलब पता नहीं कितने सारे तरह तरह के स्टेप्स हैं, दोस्तों वो तो है ही, लेकिन यहां पे एक और नई चीज निकल के आती है और कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चल के दोस्तों ये चीज शायद हमको मोबाइल फोन वगैरह में भी देखने को मिल जाए। और यहां पर दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं टंग स्कैनिंग की। मतलब यार अभी हम किसी को अगर जीभ दिखाते हैं तो मतलब ये तो एक अलग सी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों बता दूं कि जो इंसान की जीभ है वो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। ऐसे में ऐसा नहीं है कि आपको सभी की जीभ बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ टंग स्कैनिंग की, तो इसको हम काम में ले सकते हैं एज अ बायोमेट्रिक थिंग, जहाँ पे ये आपकी अपनी पहचान है। और इसके कुछ फायदे भी हैं, जहाँ पर दोस्तों सबसे पहला फायदा तो ये है कि भाई आपकी जो जीभ है वो आप नॉर्मली बाहर निकाल के रखते नहीं है, आप उसको अंदर रखते हैं। अभी अगर आप सो रहे हैं, अगर आपके फोन में मान लीजिए फिंगरप्रिंट स्कैनिंग आपने लगा रखी है तो कोई आपका आके अंगूठा लगा सकता है। अगर दोस्तों आपने फेस अनलॉक यूज किया है तो भी क्या पता भैया नशे में है, नींद में है, कुछ भी है, तो उसको फूल किया जा सकता है। लेकिन जो टंग है वो काफी दोस्तों हद तक सिक्योर बन जाती है, पहली बात तो इस तरीके से। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे इसको चुराना इतना आसान नहीं है, मतलब जाने अनजाने में हो सकता है अपना फिंगरप्रिंट कहीं पर छोड़ दें, या हो सकता है भैया आपकी कोई हाई रेज फोटो ले लें तो उसमें आपकी आंखें वगैरह आ जाए। लेकिन टंग को चुराना, टंग प्रिंट को चुराना काफी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो चीज निकल के आती है वो है दो अलग अलग। सबसे पहले तो है टंग की शेप, कि भाई जो शेप है ना हर एक टंग की वो अलग अलग होती है, कोई पतली है, कोई लंबी है, कोई चौड़ी है दोस्तों, कोई यहाँ पे तरह तरह के डिजाइन निकल के आते हैं, तो ये बनाती है अलग पहचान। और इसके अलावा टंग के ऊपर का जो पैटर्न है, जिस तरीके दोस्तों यहाँ पे आपको तरह तरह की चीजें मिलती हैं भैया, कुछ उभरी हुई हैं, कुछ नीचे हैं, बेसिकली आपकी फिंगरप्रिंट की तरह ही, तो यहाँ पे जो टंग का प्रिंट है ये भी अलग अलग है सभी इंसानों के लिए। तो इसको डिप्लॉय करना भी एकदम वैसा ही, जैसे दोस्तों हम काम लेते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनिंग को फॉर एग्जाम्पल। अब हालांकि आप टंग से अपने फोन को टच नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जैसे कि हम काम लेते हैं फेस आईडी वगैरह को, कुछ वैसा ही सिस्टम है कि आपके पास में एक हाई रेज कैमरा है। अगर आप बात करते हैं सिंपल 2D स्कैनिंग की, तो वो जो कैमरा है वो आपकी जीभ की एक बार फोटो लेके कैप्चर करता है। बाद में अगर आपको किसी को अनलॉक करना है डिवाइस में, या फिर दोस्तों अगर आप कहीं पे जा रहे हैं किसी गेट के पार, तो वहां पे आएगा जीभ दिखाओ, अनलॉक हो गया। या फिर दोस्तों इसके अलावा अगर हमसे बात करता हूँ इंफ्रारेड स्कैनिंग की, तो आप जो है वो 3D प्रोजेक्शन भी लगा सकते हैं, बिल्कुल एप्पल आईफोन 10 के फेस आईडी की तरह, जिसके बाद में आप और अच्छे रेजोल्यूशन और एक्यूरेसी के साथ में टंग प्रिंट को काम में ले पाएंगे। दोस्तों ये जो है ये बहुत ही कमाल चीज़ है, आगे चल के शायद मोबाइल फोन्स में आ सकती है, शायद दोस्तों यहाँ पे इसको हाई सिक्योरिटी एरियाज में काम में ले जा सकता है, या फिर अगर इसको इंडिपेंडेंटली काम में ना भी लिया जाए तो इसके साथ में अगर हम कंबाइन करते हैं मान लीजिए फिंगरप्रिंट को या रेटिना स्कैनिंग को या किसी और प्रिंट पैटर्न पासवर्ड वगैरह को, तो यहां पे जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी और मजबूत बन जाएगी। तो यहां पे दोस्तों तरीके तो बहुत सारे हैं, फिर चाहे भैया ब्रेन वेव्स हैं, चाहे वो टंग है या कुछ और है, लेकिन सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बताओ भैया क्या है आपकी राय इसी टंग स्कैनिंग के बारे में। बाकी दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।